चक्का से मिल जाएगा और अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल माइंड फ्री रहना मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम हर टीटीएस 10 से 11 या फिर साढ़े 11.5 मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है फिर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो साढ़े 11.5 लास्ट तो 10 से 11 हम हर टीटीएस में मिलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के मेन दो कारण होंगे या तो हम एम सी क्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो कि हमें बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमें आगे नीट फिर सीयू टी एग्जाम देने राइट तो उसी के जैसे कि ये एडोजोन का डी डी पी पी के क्वेश्चन है ऐसे पी नीट पी वाई क्यूज होंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसी क्यूज होंगे जिसको अलग से बच्चा खुद ही पढ़ता है या तो अलग अलग बुक हांड हो तब जाके उस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको या फिर आप बस लाइव क्लास स्टैंड अट, अटेंड कर लो आपको सारे क्वेश्चन मैं यहीं पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा समझा भी दूंगा और क्लियर भी हो जाएगा आपको है ना तो चलो और कोशिश करना एक घंटे की लाइव क्लास है यार ना जब एक घंटे में अगर आप पंद्रह बीस क्वेश्चन कर ले रहे हो तो बहुत है चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन सही और जिसको अगर आंसर आंसर आता होगा पूछूंगा तो बताने की हो रही है ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन आई होप कि क्लियर होगा आपको राइट right? सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कोई वोट करना चाहता है इसमें सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज साक्षी प्रेजेंट है, ठीक है बच्चा। कौन बताना चाहता है पहले क्वेश्चन का आंसर है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज चार्ज का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है देखो कूलम जो होता है वो यूनिट होता है लेकिन उसको हम ऐसा यूनिट कहते हैं लेकिन सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा माइक्रोकुलम नहीं बच्चा माइक्रोकुलम तो है ही नहीं ऑप्शन में कहा है माइक्रोकुल ऑप्शन में कहा है का है इस ऑप्शन में ही ना तो सिंपल सी मैं बताऊं इस क्वेश्चन को याद ही कर लेना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछा जाए तो वो फ्रैंकलिन होता है सीधे सीधे याद कर लेने का ठीक है फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अब इससे पहले मुझे ये बात नहीं पता थी है ना इसलिए लाइव क्लास अटेंड करना जरूरी है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पता चलेंगे आपको चलो आ जाओ अब पहले क्वेश्चन के बाद अपने पास दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है साक्षी देखो बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी हैज एटी कूलम का चार्ज ठीक है ऑफ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बोल दिया मैग्नीट्यूड भी दे दिया द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑन इट विल बी सबको पता है ये चार्ज का टॉपिक है चार्ज के टॉपिक में बच्चा जो क्वेश्चन था अपने पास दूसरे को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं आंसर नंबर टू आई होप सबको विजिबल होगा सुनो गिवन क्या क्या है अपने को चार्ज दे रखा है कितना का, कितना चार्ज दे रखा 80 है एटी सबको पता एटी टू टेन की पावर माइनस ले लूंगा मैं राइट और मुझसे पूछा गया नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जहां बोलते सबको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना अगर नेगेटिव चार्ज है तो गेन है और पॉजिटिव चार्ज है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो गेन तो किया ही है उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सबको पता है टू क्या लगा दूंगा प्लस माइनस एन ये वाला फॉर्म लगाएंगे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे एन इजकल टू में ई e मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा क्यू अपन में ई e लगा दो सर्विस और एन इजकल टू निकाल दो एन कितना हो जाएगा एट्टी है ये टेन की पावर माइनस सिक्स है और ई e मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है की पावर माइनस नाइनटीन कुलम इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटा यहाँ पे जीरो बैठा सोलह पंचे अस्सी तो फिफ्टी

इसी का अगला क्वेश्चन देखो सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q है ना उस वाले पे बेस्ड दिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सो दैट इट एक्वायर अ चार्ज ऑफ टेन की पावर माइनस अब खुद करो सेम क्वेश्चन है इस बार पूछ रहे हैं कि एक कॉइन में से कितने चार्ज हम रिमूव कर देंगे ताकि इतना चार्ज सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे ताकि इतना चार्ज आ जाएगा तो टेन की, की पावर माइनस सिक्स और जल्दी से सॉल्व करके बताओ एन निकाल के बताओ आपके पास पूरे एक मिनट है जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा यू हैव कम्प्लीटली वन मिनट और लेस कॉपी पेन लेके बैठने के लिए बोला था भैया मैंने सबको बोला था कॉपी पेन लेके बैठने के लिए ऐसे नहीं करोगे मधु जल्दी से आंसर निकालो कीर्ति आई है आज रोशन निकालो निकालो जल्दी से अनु कुमारी करेक्ट आंसर जो लोग लो लेट ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल एंड में आ जाना पता चले आप पुराना वीडियो देख रहे हो हमारा बिल्कुल एंड में आ जाना आगे कर करके फॉरवर्ड कर दो बिल्कुल एंड तक फॉरवर्ड कर दो हम्म जल्दी से कमेंट करके बताओ थर्ड का आंसर क्या जाएगा थर्ड का आंसर क्या जाएगा जयंत बता रहे ऑप्शन नंबर थ्री जयंत थर्ड का ऑप्शन नंबर थ्री बता रहे हैं और कोई और कोई शिवम भी सी ही बता रहे सॉल्व भी किया ना पक्का कॉपी पेन लेके सॉल्व करना है जल्दी जल्दी निहारिका का आंसर नंबर फोर आ रहा है निहारिका का आंसर नंबर फोर आ रहा है और गाँव वाले बिल्कुल सही निकाला है निहारिका ने बच्चा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फोर ही इसका सही आंसर जाएगा थ्री कैसे जाएगा इसका आंसर मुझे बताओ ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर कैसे निकालोगे मैं इसको जल्दी से रब कर देता हूँ यही बता देता हूँ ऑप्शन फोर किस किस का आया ऑप्शन फोर रिया का भी आ गया निहारिका का भी आ गया बहुत बढ़िया एक मिनट मैं इसको मिटा दू जरा सेम सेम फॉर्मला क्यूज गल टू प्लस मैंने सही लगा ना बहुत इजी इजी क्वेश्चंस लेके आया हूँ लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट भी होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे इसलिए ध्यान से सुनते रहना एंड तक तो so, Q इज कल टू लगाओगे यहाँ से N निकालोगे e तो Q बाई लगा दोगे राइट Q कितना बोला इसने टन की पावर माइनस सिक्स बोला E की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स पावर माइनस नाइनटीन जल्दी से सॉल्व कर दो पॉइंट हटा दो ऊपर में दस आ जाएगा और दस को डिवाइड करूंगा वन पॉइंट सिक्स से तो ये जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव आता है सॉल्व करते आपको पता जाएगा टेन की पावर माइनस नाइनटीन ऊपर जाएगा तो प्लस का नाइनटीन तो टेन की पावर थर्टीन बचेगा ऊपर में राइट right? और थर्टीन में से एक पावर इधर ले लो तो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर ट्वेल्व बच जाएगा सीधे सीधा कैलकुलेशन था किस किसका शिवम का भी चार आ गया और साहिल का भी चार आ गया ठीक है ठीक है देखो क्यूजकल टू प्लस माइनस एनी वाला जो फॉर्मुला है उसको प्रैक्टिस में रखना दो मतलब मुश्किल से चार पांच क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये फॉर्मुरा तुरंत हाथ में बैठ जाता है ना तो हमने Q कल टू प्लस माइनस एनी पे दो न्यूमेरिकल कर लिए दो न्यूमेरिकल है ना अगले क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर वेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट अब ऑप्शन दे रखा है लकी का भी आ गया बहुत बढ़िया हर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ हर कोई क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ अगर वीडियो आपका पीछे है तो प्लीज फॉरवर्ड कर दो फास्ट फॉरवर्ड कर दो जल्दी जल्दी और आगे जाओ क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन कह रहा है कि वैन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क अब ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया मान लो हमने एक ग्लास रोड लिया और सिल्क के कपड़े के साथ कपड़ा था अपने पास सिल्क का इसके साथ हमने रब कर दिया किसको ग्लास को तो बताओ किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव मैंने क्लास में पढ़ा है जल्दी से बताओ अगर मैं सिर्फ और कुछ पूछू ही ना ऑप्शन पढ़ने ही ना दू आपको मैं सीधे सीधे पूछू ग्लास और सिल्क में से अगर दोनों को रब करेंगे तो किस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा किस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था आप लोगों को जल्दी से याद करो जल्दी से याद करो नहीं याद है चलो मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर का ए बता रहा है कौन बता रहा है यार अपने ना, अपने नाम चेंज कर कर ऐसे ऐसे नाम 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 से आओगे ना फिर रिकॉल नहीं पाऊंगा आप लोगों के मैं ग्लास नेगेटिव चार्ज शिवम बिल्कुल बिल्कुल गलत बता रहे हो भाई साहब हदि मचा रखिये बिल्कुल उल्टा बता रहा है ये देख रहे हो देखो बेसिकली याद रखना ग्लास अच्छी चीज है यार कितने अच्छे अच्छे डेकोर बनाते हैं हम जब भी आप ग्लास को किसी चीज के साथ रब करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ग्लास हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ग्लास लूज करता है इलेक्ट्रॉन को मोस्ट ऑफ द टाइम और दूसरी बात मैंने आपको बहुत बेसिकली प्लास्टिक को लेकर समझाया था प्लास्टिक जो है बहुत बेकार चीज है है देख मतलब कितने प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्लास्टिक नेगेटिव है हमारे लिए यानी कि प्लास्टिक पे जब भी किसी को प्लास्टिक के साथ रब करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा नेगेटिव चार्ज ही करता है यानी कि वो हमेशा गेन ही कर रहा होता है तो इसी दो कॉन्सेप्ट के बेस पे आप हमेशा आंसर लगाया करो मोस्ट ऑफ द टाइम इतने पे ही क्वेश्चन निपट जाता है

शिवम ने भी बोल दिया रिया ने भी बोल दिया रोशन ने भी बोल दिया बहुत बढ़िया आयिशा ने भी बोल दिया ठीक है बच्चा और पता है इसी से ना पुराना चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा अगर मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो पुराना चैप्टर भी रिवाइज होता रहेगा चलो अब इन सबको मिटा के क्वेश्चन नंबर फाइव पे पहुंचो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपका माइंड ना और खुलेगा और सोच पाओगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा तो, है? निहारिका, तो मतलब प्रोटोन तो कभी बॉडी में से बाहर निकलता नहीं काट दो तो कभी भी बॉडी में से प्रोटोन बाहर निकलता नहीं है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना किया है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा बताओ क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे स्ट्राइक कर देंगे एक मिनट मैं इसको थोड़ा रब कर दूँ। नहीं एक मिनट बस पहले क्वेश्चन में याद रखना स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है फ्रैंकलिन होता है राइट दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में हमने क्यूजकल टू प्लस माइनस एनी लगा दिया चौथे क्वेश्चन में तो बहुत इजी क्वेश्चन था चौथा अब ये रहा देखो यहां पे आते हैं रोशन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कैन रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अटैच स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर दिस इज ड्यू टू ये हमने बचपन में स्कूल में बहुत करा है हमने कंघा तो ना लिया हो स्केल लेकर करते थे याद है सबको स्केल लिया बाल में रगड़ा और पीसीस ऑफ पेपर चिपकाते थे तो उसमें होता क्या था कि इस अब उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। ऑप्शन क्या कह रहा रहे हैं तो गुड शिवम पेपर इज अ गुड कंडक्टर यार पेपर भी इंसुलेटर है पेपर तो लकड़ी का बनता है और लकड़ी तो इंसुलेटर है काट दो भी अगला क्या कह रहा है कि एटम ऑफ द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम

इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नॉन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बिल्कुल एक्जैक्ट डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का राइट right? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमें नोट वाला आंसर लगाना है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी है सबको पता है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड होता है बस डायरेक्शन नहीं होता राइट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है हमें ये भी पता है यानी कि बिल्कुल सही तीन ऑप्शन सही हो गए जो कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ही पढ़े हैं, ये तीनों के तीनों है ना चार्ज स्केलर क्वान्टिटी है और चार्ज क्वांटाइज होता है यानी कि मल्टीपल इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रॉन का ही और तीसरा पॉइंट क्या था कि कि चार्ज कंजर्व भी रहता है तो चौथा चौथा इसका आंसर हो जाएगा ये सही नहीं होगा लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं चार्ज कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू चार्ज ये पॉसिबल ही इनो है कि चार्ज को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दो एनर्जी को चार्ज में कन्वर्ट कर दो ये पॉसिबल नहीं है ये हमारे सिलेबस में नहीं था हमने बस इतना पढ़ा था ये बिल्कुल सही था राइट चलो अगला क्वेश्चन सुनो ये क्वेश्चन भाई साहब क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट के लिए मैं आपको पूरे एक मिनट दूंगा क्वेश्चन नंबर पढ़ो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होगा यू हैव कंप्लीट वन मिनट हर किसी से कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एट को पढ़ो जल्दी से और मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा मैं पहले आपके आंसर रिकॉल करूंगा फिर देखूंगा कौन सही आंसर दे रहा है क्वेश्चन नंबर एट को पढ़ा जाए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट जल्दी से रीड करो और समझ के मुझे आंसर दो ऐसा ये आप हो ना जिसने फोर का अभी सर्वेस थ्री कह रहा है ठीक है सर्वेश की वोटिंग भाई साहब थर्ड पे पहुंच गई सर्वेश ऐसा आ गया माधुरी का आंसर चार बता रहे हैं माधुरी मधु का आंसर नंबर चार भाई साहब चलो चलो वोटिंग पे आ जाओ कीर्ति ने आंसर नंबर वन लगा दिया एट का और रोशन ने ऑप्शन नंबर टू बता दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबने एक एक बता दिया चारों ऑप्शन सही है आपके हिसाब से तो बहुत बढ़िया आदम आचार्य के देखो अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन रबिंग टू आइडेंटिकल न्यूट्रल बॉडीज 500 इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी ठीक है देन देयर चार्जेस एंड मासेस डिफरेंस इजी क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दो आइडेंटिकल मतलब सेम सेप एंड साइज की बॉडी थी ए एंड बी दोनों को आपस में रब किया तो ए में से 500 इलेक्ट्रॉन चले गए बी में तो सिंपल सी बात है जैसे ए में से इलेक्ट्रॉन गए तो उस प्लस प्लस का 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 चार्ज आ जाएगा राइट प्लस का, क्योंकि लूज किया किया इसने और बी ने गेन किया है तो माइनस के पांच इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा अब फंसा कहाँ रखा इन्होंने मास में क्वेश्चन में देखो सबका मास भी दे रखा है कि मास का डिफरेंस कितना होगा डिफरेंस इन देयर मासिस अगर क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये देखो यहां से एंड डिफरेंस इन देयर मासिस रिस्पेक्टिवली ये भी बताइए तो मास में कितना डिफरेंस आ जाएगा मास में देखो हुआ क्या कि इसमें से 500 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें तो इसका 500 तो कम हो गया और इसमें 500 एक्स्ट्रा हो गया मतलब मान लो ये जीरो जीरो पे थे तो इसका माइनस का 500 हो गया ना इलेक्ट्रो मास और इसका कितना हो गया प्लस का 500 तो डिफरेंस कितने का आया 500 नहीं एक हजार का डिफरेंस आ गया ना एक 500 मास ऊपर चला गया एक पाँच सौ मास नीचे आ गया तो टोटल डिफरेंस कितने का है वन थाउजेंड का कितने लोगों को से समझ में आया क्वेश्चन जल्दी से बताओ मेरे को इसका आंसर जाएगा प्लस का 500 माइनस का 500 और हजार यानी कि सबसे पहला ऑप्शन ही है कीर्ति का आंसर बिल्कुल सही निकलो किस किस का सही निकलो महक का सही निकला भूमि शुक्ला का भी सही निकला जयंत का भी सही है आसिफ का भी सही है क्या बात है यार बहुत बढ़िया शिवम ने भी आंसर वन बता दिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है

आ जल्दी से क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर की बात करेंगे को रीड किसी का वीडियो पीछे हो जाए तो फास्ट फर्वर्वर, फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर बताया जाए क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर बता रहे हैं निहारिका ने बताया दो टू 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 पर रखा है क्या आप लोगों ने कॉन्सेप्ट इंक्रीज एंसर शिवम का थ्री बता रहा है रिमेन एंड चेंज हु इज दिस कविता प्लीज जिनका जो कविता के नाम से आ रहे हैं सपना ठीक है सपना का भी ऑप्शन नंबर टू है ठीक है महक का भी ठीक है बहुत बढ़िया इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा है शाबाश ये हुई ना बात लोग इसी बार रिवाइज हो जाता है कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए तो उसके रेडियस का क्या होगा सिंपल सी बात है उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा कैसे मान लो कोई सोप बबल है इसको आप कोई सा भी चार्ज दे दो पॉजिटिव चार्ज दे दो तब भी रेडियस इंक्रीज होगा नेगेटिव चार्ज दे दो तब भी रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि हर जगह अगर नेगेटिव नेगेटिव ऐसे करके सरफेस पे दे दोगे तो इधर वाला जो नेगेटिव है मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ जो लेफ्ट साइड का नेगेटिव है वो राइट right साइड के नेगेटिव को धक्का मारेगा रिपेल करेगा और रिपेल करने की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है है सेम चीज होता होता अगर पॉजिटिव चार्ज तब भी आपस में रिपल्सन कर 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 कर, -कर, 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 कर, -कर, -कर, -कर के वो लोग रेडियस को चारों साइड से इंक्रीज कर देते याद रहेगा बहुत बढ़िया तो ये हो गए नो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो हमने अभी करे एक बार जल्दी से रिकेप कर लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट था फिर आगे बढ़ेंगे टाइम अपने पास अभी पूरा आधा घंटा बचा हुआ है देखो यहाँ लाइव क्लास में ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है इतना ही क्वेश्चन में क्लास में करवाता ना तो एक घंटे बीत जाते इतने में आ जाओ वापिस से जल्दी से एक बार रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ठीक नौ के नौ क्वेश्चन फिर डीपीपी टू पर जाएंगे डीपीपी वन में इतना ही क्वेश्चन था आ जाओ ऐसा देखो बच्चा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है चार्ज की फ्रेंकलीन याद रहेगा आप अपने को है ना और क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में सीधे सीधे हमने क्या लगाया था क्यू इजिकल टू में एन ई लगाया था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने इनको दे दिया था राइट क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बेसिकली दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि अगर वो ग्लास है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी टेंडेंसी है कि पॉजिटिव चार्ज लेगा और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को राइट और अगर वो प्लास्टिक है किसी के साथ भी तो ज्यादातर उसकी टेंडेंसी है कि नेगेटिव चार्ज लेगा और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब उसने लूज किया है और नेगेटिव चार्ज है तो गेन किया है क्वेश्चन नंबर सिक्स अच्छा क्वेश्चन था जिसमें से हमने पूरे को, सारे को पढ़ा था और जो बेस्ट सुटेबल आंसर था उसको मार्क किया था कई बार ऐसा होता है एमसीक्यू में कि बेस्ट सुटेबल आंसर का मार्क करना होता है तो जो कि कौन सा था अपने पास क्वेश्चन नंबर सिक्स में थर्ड ऑप्शन था राइट उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में नोट ट्रू पूछा गया था तीन तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ही पढ़ रखे थे ये सब है ना तो अगर किसी को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज याद है देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन बना देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बेस्ड थोटिकल क्वेश्चन बना देते हैं समझ रहे हो तो इसके हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन गलत था अब आठवां क्वेश्चन और नौवां क्वेश्चन कॉन्सेप्चल था आप लोगों ने पढ़ रखा इसलिए आपने जल्दी जल्दी कर दिया तो मास का डिफरेंस हजार का आएगा ये याद रखना बस और अगर बॉडी किसी भी बॉडी को जैसे कि सोप बबल है सो बबल को अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तब भी रेडियस इंक्रीज होगा नेगेटिव चार्ज दिया तब भी रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास नौ क्वेश्चन जो डीपीपी वन में थे अब हम करेंगे

ऐसा बच्चा मैं कहा कहा कि चलो, जैसा कहा है, वैसे जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया गया है जिसको मैं रेड कलर से रख देता हूँ माइनस का क्यू इसके बीच में कहीं रख दिया गया है एट सम पॉइंट किसी भी पॉइंट पे बीच बीच नहीं रखा गया किसी और पॉइंट पे रखा गया ठीक है अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ऑफ द मोशन नेगेटिव चार्ज विल डिपेंड्स ऑन ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसका डायरेक्शन जो ये मूव करेगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि किधर की ओर मूव करेगा सिंपल सी बात है देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है अपॉन में स्क्वायर राइट अब इसके हिसाब से दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है चार्ज का

अगर दोनों चार्ज सेम है तो ऊपर वाला जो देखो एफिकल टू नॉर्मल तो क्यू दोनों चार्ज क्यू ही क्यू है प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, प्लस का स्मॉल स्मॉल तो दोनों के लिए क्यू ही लगेगा सिंपल सी बात है फोर्स यहाँ पे सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस का क्या फिर लेना देना है राइट कि जिसके पास में रखा होगा चार्ज उधर की तरफ ही मूव कर लेगा बहुत सिंपल सी बात है तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर वन होना चाहिए मेरे पास बुक भी है मेरे को एक मिनट दो मैं चेक करके इसका आंसर भी बता देता हूँ कौन सा है डीपीपी टू का क्वेश्चन नंबर वन है एक मिनट बस आप लोगों ने कितने ना? बहुत सारे बच्चों ने तीन लगाया ऑप्शन इसलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और बाकी मधु तो मेरे साथ है शिवम भी मेरे साथ है मरियम भी मेरे साथ है जयंत भी मेरे साथ है बहुत बढ़िया भाई सब सा, मेरे साथ रहो तो मिनट के लिए चेक कर लेते हैं कहा है इसका आंसर यह है डीपीपी टू का बिल्कुल सही हूं मैं बिल्कुल सही मैं जीत गया मैं डीपीपी टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट भाई साहब देख रहे हो कीर्ति देख रहे हो जीत गया अपन सब जितने लोग फर्स्ट वाले थे सब जीत गए आंसर है फर्स्ट सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा क्योंकि जब उन्होंने कह दिया ना कि दो इक्वल सेम चार्जेस है प्लस क्यू प्लस क्यू तो मैग्नीट्यूड पर क्या ही फर्क पड़ेगा चलो

एंड क्यू वन विल बी बताओ क्या है जाएगा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा हमारी रोशन कह रहे हैं कि क्वेश्चन टू का ऑप्शन नंबर वन रोशन का वन आर्यन का वन रिया का वन बहुत बढ़िया महक भी वन कह रही है कीर्ति भी वन हिमांशु भी वन कवि सपना भी वन कह रही है लक्ष्मण वन बढ़िया भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग ये क्वेश्चन मैंने आपको साथ क्लास में करवाया भी है मैंने कहा ना Q1 है Q2 है दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F अब मैं Q3 चार्ज को यहाँ पे लाके रख दू तो इन दोनों का जो आपस का चार्ज था Q1 और Q2 का वो कभी चेंज नहीं होगा वो चेंज क्यों होगा क्योंकि उसका तो फॉर्मूला अलग है ना एफ इजल टू के क्यू वन

दो लोगों के बीच का प्यार तीसरे के वजह से कम नहीं होता है चार के केस में इंसानों के केस में नो बोल रहा हूं मैं चार्जिस के केस में कह रहा हूं मैं समझ रहे हो हाँ। <laughs> चलो आ जाओ तो मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर थ्री, को, थ्री पे आते हैं कोई भावनाओं में नहीं बढ़ेगा वापस क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ वापस नंबर थ्री में आ जाओ सर आपका क्या नाम है मेरा नाम है सुभाष कुमार यादव पूरा नाम आजो, 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 आजो। आ जाओ आ जाओ ऐसा आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं बिग पॉजिटिव चार्ज फोर्स एफ समझ रहे हो ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सिंपल सी बात है एक बड़ा सा चार्ज है और एक बड़ा सा चार्ज जो है एक छोटे से चार्ज पे फोर्स लगा रहा है एफ ऐसा करके लगा दियो ठीक है भाई आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे कह रहे हैं एंड द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहां से पढ़ रहा हूं देख रहा हूं एंड द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स एफ डैश ऑन बिग पॉजिटिव चार्ज अच्छा तो जो ये छोटा वाला चार्ज है फिर इसने भी फोर्स लगाया घूम के बड़े वाले पे और उसका नाम इन्होंने रख दिया एफ डैश तो ये मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या होगा ये बताओ ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है इनमें से चलो भाई ये सब ये बताओ कितने लोग बता सकते हैं कितने लोग बता सकते हैं हाँ बच्चा टी टी एस में हम लाइव क्लास लेंगे दस से ग्यारह जिसमें हम ऐसे ही डीपीपी सॉल्व करेंगे जिससे आपको नीट में भी हेल्प होगी सीयूटी में भी और बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प होगी ये सारे डीपीपी हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और इनको पढ़ के ना आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी टी टी एस रात दस से ग्यारह लक्ष्मी कह रही है ऑप्शन नंबर थ्री सपना का फोर माधुरी का फोर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया किसी ने थर्ड भी कहा है अनु ने कहा है फोर भूमि का भी फोर नैना का वन शिवम का वन रोली भी फोर कह रही है निहारी का भी फोर कह रही है भाई साहब पता है ये क्वेश्चन नीट में आता है ना पता नहीं कितने बच्चे गलती करके आते हैं? नमन भी फोर कह रहा है मरियम वन कह रही है बहुत बढ़िया सर्वे कह रहा है भैया एक्सप्लेन कर दो आ जो, आ जाओ जाओ मैं बताता हूं। और इसका सही आंसर बताऊ क्या है इसका सही आंसर है थ्री। जो कि सिर्फ एक बच्चे ने लिखा था और वो भी हटा दिया मैसेज डिलीट कर दिया बताओ सही आंसर सिर्फ और सिर्फ थ्री है फोर्थ गलत आंसर है पूछो क्यों यार वो वेक्टर फॉर्म में है अरे भूल गए आप लोग आओ इधर आओ बताता हूँ देखो जब भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो सबको पता है इक्वल एन अपोजिट फोर्स लगता है राइट अगर ये वाला फोर्स एफ वन है ये वाला फोर्स एफ टू है तो एफ वन और एफ टू का मैग्नीट्यूड बराबर होगा मतलब दोनों अगर ये दस न्यूटन है तो ये भी दस न्यूटन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूं तो इसका मतलब मैं डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूं F1 और F2 का डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर ये ऐसा लिखा होता कि F1 का मैग्नीट्यूड बराबर है F2 के मैग्नीट्यूड के हाँ तो सही होता है या फिर ऐसा लिखा हो ये ऑप्शन गलत हो जाता है समझे देखा भाई साहब इसलिए कहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ के दिमाग खोल लेना चाहिए पहले से ही शिवम ने क्या शिवम झूठा कितना झूठ कह रहा है क्यों कह रहा है मैंने लिखा था कोई ना रोली बच्चा देख लो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा चलो चलो आगे ऑप्शन नंबर थ्री समझ में आया सबको और ऐसे पता है ये सारे कॉन्सेप्ट ना याद रखना धीरे धीरे ताकि छोटे छोटे मिस्टे, मिस्टेक में ना आप लोग तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन वेक्टर लग जाए तो वो गलत माना जाता है याद रखना क्योंकि डायरेक्शन भी आता है ना उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ अपने पास अभी सोलह मिनट और है सोलह मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे करेंगे बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लाइव क्लास में इसको मैं मिटा देता हूं जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर जल्दी से एक बार रीड कर लो जल्दी से हर कोई एक बार रीड कर लो क्वेश्चन नंबर फोर चलो क्वेश्चन नंबर फोर मैं भी रीड करता हूँ क्वेश्चन कह रहा है टू पॉइंट चार्ज क्यू वन इन क्यू टू आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है भाई फ्रॉम ईच अदर इन एयर एंड इंटरेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स ठीक है

देखो मैं समझा समझाता भी रहूंगा ठीक है एक्सप्लेन भी करता रहूंगा आपको थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन के लिए अलग से जगह ले लेता हूँ स्पेस ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया दो चार्ज दे रखे हैं, पचास सेंटीमीटर है और रिलेटिव

इस टाइप के क्वेश्चन को सपना कैसे करते हैं अपन बताएंगे आपको प्रीति इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ठीक है जाओ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन According to question, हमें समझ में आया था कि दो चार्जेस है, है और q2 है मस्त एक्सप्लेन करके समझाएगा अपन चिंता नहीं करने का ताकि अगली बार जब कोई क्वेश्चन मिले ना भाई तुरंत तुरंत कर दो। दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर का सेपरेशन है ठीक है तो अब दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे है ना मधु और फोर्स कितना लगेगा शिवम फोर्स का फॉर्मुला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर मतलब पचास सेंटीमीटर का स्क्वायर मैं अभी इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन देखा अगर आपने तो वो भी सेंटीमीटर में ही है तो हम आंसर सेंटीमीटर में डायरेक्टली निकाल देंगे कन्वर्ट करने की जरूरत ना हो हमें पचास लिख देता हूँ लेकिन इसी को खोलोगे तो के का फॉर्मुला सबको पता है अपॉन में पाई नोट और क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर होता है राइट ये हमारे पास फॉर्मूला होता है तो आर स्क्वायर की जगह में फिर से हम पचास का स्क्वायर लिख देंगे निहारिका ये हमने ऐसे करके लिख दिया अब आप एक ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते आ यहाँ पे जो एप्साइलन नोट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम या फिर एयर का बताते हैं ऐसे ही एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ई और आर

और दूसरा होता है परमियाबिलिटी परमियाबिलिटी और परमियाबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से वहाँ पे म्यू आर के बारे में पढ़ते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी इसकल टूम होता है परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमियाबिलिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नोट के बारे में पढ़ाया जाता है यही दो फॉर्मूले मिक्स मैच है समझ रहे हो अब किया क्या गया कि इस चार्ज को जो हमारे पास ये एयर में था पहले इसको डाल दिया गया ऑयल में

अब मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा जिस मीडियम होता है उसी का रोशन देखो f लिखूंगा one upon में पाई ऑफ मीडियम आ जाएगा क्योंकि ऑयल तो एक मीडियम है ना तो ऑयल में जाते ही मीडियम का आ जाता है जब वो एयर में था तो एयर का परमिटिविटी लेते हैं हम जब वो ऑयल में आ गया तो अब मीडियम यानी कि ऑयल का लेना पड़ जाएगा इन टू में चार्ज तो सेम है और डिस्टेंस कितना है आर डे का स्क्वायर हमको आरडीएस की वैल्यू निकालनी है आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे निकालोगे तो इस वाले फॉर्मूले से देखो रिलेटिव परमेबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये है है ना तो यहाँ से मैं क्या करूंगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को इधर भेज दूंगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ईआर e इनटू में ई नॉट इज टू में आ जाएगा ईएम परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इस चीज को उठाओ और इसमें पुट कर दो देखो ये सब बिना एक्सप्लेन के भी मैं सीधे सीधे फॉर्मले बता सकता था लेकिन पता ये ये जो दो फॉर्मले है ना अगर आपको पता होगा और आगे कभी किसी बुक में छपा हुआ देखोगे तो घबराओगे नहीं वहां पे आपको समझ आ जाएगा अच्छा हाँ मैंने पढ़ रखा है इसलिए होकर समझते रहना ठीक है देखो अब हम क्या बोलेंगे फोर्स इज टू में में अपॉन पाई एम को हटा के इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं ये वाला पूरा वैल्यू राइट एफसेल एन आर और एफसेल नोट तो मैं एफसेल नोट को पहले लिख देता हूँ एफसेल एन आर को बाद में लिख दूंगा और क्यू वन

तो मैं बोलूंगा कि अपॉन वाला वाला, ये वाला, ये वाला बराबर तो रख दिया जाएगा तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन में निहारिका का फिफ्टी सेंटीमीटर का स्क्वायर इस टू में के वन अपॉन में फोर पाई एफसेलन नोट के साथ एफसेलन आर भी है इस बार तो एफसेलन आर क्यू वन आर डे का स्क्वायर कटिस कटिस खेल लो ये पूरा कट जाएगा ऐसा करके ये पूरा कट गया एप्सैल q1 क्यू वन कट गया एप्स एल से सेल नोट कट गया और अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं भैया अपॉन में, है में, है? में, आर, आर, में आर डे का स्क्वायर है इसको नीचे जल्दी से सॉल्व कर दो कितना आएगा रोशन इसको ऊपर लेके जा सकते ना दोनों डिवाइड में ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये फिफ्टी का स्क्वायर यानी कि फिफ्टी इंटू में फिफ्टी है और इस गल टू में फाइव में आर डे का स्क्वायर है फाइव को मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो जल्दी से फाइव इन टू में फिफ्टी अपन मैं फाइव कर दूंगा इसकल टू में आर डे का स्क्वायर आ जाएगा इसको काटूंगा दस आ जाएगा दस को पाँच सौ आ जाएगा पाँच सौ इसगल टू में आर डे का स्क्वायर आरडेस निकालना है सबको पता है पाँच सौ का रूट कर दो जल्दी से मुझे बताओ पाँच सौ का रूट कितना आएगा मैं बताऊँ कैसे करो देखो सौ अलग कर दो इसमें से सौ का रूट तो दस बाहर निकल जाएगा और रूट फाइव फंसा और रूट फाइव का अंदाजा लगा सकते हो आप टू टू जा फोर और थ्री थ्री जा Nine. तो थ्री का तो जाएगा, नहीं। में जाएगा।, अब में जाएगा तो मैं इंटू मल्टीप्लाई कर दो चौबीस पच्चीस के बीच में आना चाहिए और उसके हिसाब से जाकर ऑप्शन चेक कर लो जल्दी से चलो ऑप्शन चेक करते हैं हमारे हिसाब से चौबीस पच्चीस के आसपास आ रहा है ऑप्शन कौन सा है कहाँ गया चौबीस पच्चीस नहीं है बाईस है तो ऑप्शन जाएगा मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंसर में बाइस समझ में क्वेश्चन किस टाइप का करेंगे मैं आपको एक बार स्लाइड कर देता हूँ देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली भी करवा सकता था मैं जान बुझेलन आर और नोट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसका आंसर मोस्टली बाइस जाएगा अगर कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो ये जो दो, दो फॉर्मले मैंने आपको बताए हैं इसको थोड़ा कम गंदा कर देता हूं मैं सबको मिटामिट के एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा मिटा मिटू देता हूँ ताकि कम गंदा दिखे ये आपको आर और नोट के जो फॉर्मुले दिख रहे हैं ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा और ये आएगा या तो चैप्टर नंबर वन में आ जाता है कई बार या फिर चैप्टर नंबर फाइव में आ जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है और इस टाइप के फॉर्मुले पे आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो कि मीडियम टू में आपने लगाया था ना एफ एयर अपन में डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट के तो कई बार वो डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट के कन्फर्म करे तो ही हम ये फॉर्मुला लगाते हैं बना इसमें भी बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल बन जाते हैं इसलिए मैंने आपको ये वाला कांसेप्ट समझाया तो चलो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसको कभी नोटबुक में लिख लेना ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो पढ़ने वाले बच्चे तो सभी हैं यार आ जाओ चलो अब इसको हटाते हैं अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा आंसर हो गया 2 क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ कितना टाइम बचा हुआ पूरे 7 मिनट बचे हैं अब तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर पे मूव से, से बताओ क्वेश्चन नंबर जल्दी से और फाइव का, बताएं. का, का आ गया था, बहुत बिल्कुल सही बच्चा क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ अकॉर्डिंग टू द कूलम स्लो विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम इस डायग्राम के लिए कौन सा रिलेशन सही है बिल्कुल सही है जल्दी बताओ निहारिका बता रही है ऑप्शन नंबर फोर बाकी सभी प्लीज कीर्ति ने ऑप्शन नंबर वन बताया प्रीति ने भी वन बताया। से नू, से नू वन कविता वन निहारिका भी वन याद है ये ना एक्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने शायद क्लास में करवा रखा है आप लोगों को इस टाइप के दो तीन वेरिएशन बताए थे मैंने आपको कि डायग्राम कैसा कैसा बन सकता था कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है राइट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर्विस कह रहा है ऑप्शन टू सर्वेश मार खा लोगे सच्ची बता रहा हूँ मैं कॉपी रिवाइज नहीं किया लगता है सपना भी वन कह रही है अच्छा नताशा ठीक है बच्चा रोली भी टू बता रही है मुस्कान वन आसिफ थ्री आयशा वन शिवम वन नमन ठाकुर वन अरे यार इसका सही आंसर है कौन सा आंसर सही है बताओ जल्दी से वन आंसर सही है बिल्कुल सही ऑप्शन जितने लोग वन वाले हैं जीत गए है भाई साहब पूछो कैसे देखो दोनों में अगर आप ध्यान से डायग्राम में देख रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रखा है देख रहे हो ये क्यू टू है ये Q1 है और एक चार्ज माइनस का हो और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे क्यू वन क्यू टू दे रखा है ना प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस तो माइनस तो लेस देन जीरो हुआ ना समझे आप इस टाइम का दो तीन डायग्राम मैंने बना के बता रखा था क्लास में भी मैं एक, एक दो डायग्राम अभी बना के बता एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक मिनट दो यहीं पर अगर ऐसा होता मैं यहाँ पे लेफ्ट में लेता हूं एक मिनट इसको मिटाया यहाँ राइट साइड में आ जाओ देखो मैं कह रहा हूं कि अगर Q1 और Q2

और प्लस जो है वो जीरो से ग्रेटर है तो मैं इसको एक मिनट एक मिनट से लिखता हूँ अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए तभी हो सकता है और प्लस इंटू में प्लस करूंगा तो प्लस पॉजिटिव ही जाएगा और पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है तो बच्चों वाली मैथ हमारी तो ये भी ग्रेटर देन जीरो अगर रिपल्सिव फोर्स है तो ग्रेटर देन जीरो बताओगे क्यू एन क्यू टू और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो क्यू एन क्यू टू का मल्टीप्लाई लेस देन जीरो बताओगे है ना चलो बहुत बढ़िया इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी अगली बार देखोगे तुरंत झटके से आंसर लगा दोगे इसको मिटाता हूं मैं आगे मूव करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 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 नहीं पे 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 आ गया, पे। पे आ गया क्वेश्चन क्वेश्चन जाओ और सेवन कर लेते हैं फिर छुट्टी कर लेंगे आज की क्लास में ठीक है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि है सैटरडे क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेते तो चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स जल्दी से रीड करो एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स का टू पॉइंट चार्जेस टू पॉइंट चार्जेस

माइक्रो कूलम का चार्ज था और एक सिक्स कूलम का चार्ज और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बारह न्यूटन लग रहा है एफ इजकल टू ट्वेल्व न्यूटन है आंसर बता रहे हो महक ने वन बताया कविता ने वन बताया सर्वेश ने भी इसका वन बताया रोली बच्चा बैच स्टार्ट होता है मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं हम दस बजे और ग्यारह बजे खत्म कर देते हैं ठीक है टीटीएस टी दस से ग्यारह एक घंटे में ऑल दो हमने कितने नौ और छह पंद्रह क्वेश्चन हो गए और हर टी में कम से कम पंद्रह क्वेश्चन करके आराम से जाएंगे पता है आप डेली मतलब हर हफ्ते में में दिन भी मार्केल कर लोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स तो आप क्या बोला गया है कि दोनों को हमने चार्ज दे दिया प्लस माइनस के फोर कुलम दोनों में ऐड कर दिया हमने जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो तो अब इसमें भी माइनस का फोर माइक्रोकुलम दे दिया हमने और इसमें भी माइनस का फोर हमने जैसे हम माइनस का फोर दोनों में देंगे तो तो फाइनल चार्ज क्या बचेगा सर्विस तो इसमें ऐड कर दो प्लस टू तो माइक्रोकुलम बच जाएगा फाइनल चार्ज है ना और ये प्लस का सिक्स था माइनस का फोर दिया हमने इसके अंदर तो कितना बचेगा ये प्लस का टू माइक्रोकुलम बच जाएगा राइट तो सिंपल सी बात है अब एक चार्ज नेगेटिव है दूसरा चार्ज पॉजिटिव है तो अब कैसा फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव जो पहले रिपल्सिव थे दोनों पॉजिटिव होने की वजह से अब वो कैसे हो जाएंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्टिव तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां कहाँ है तीन ऑप्शन पर वैसे ही काट दो चलो अब फोर्स निकालना भी पड़ेगा जल्दी से फोर्स निकाल दो मैं साइड करके निकाल जल्दी से स्लाइड करके इन चीजों को एक मिनट के लिए मिटा देता हूं मैं जल्दी से किसी ने आंसर निकाला हो तो जल्दी से बता दो बाकी सबको समझाने के लिए अपन सॉल्व करेगा चिंता नहीं करने का चिंता नहीं करने का इसको मिटा दिया आज देखो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पहले ये चार्जेस थे प्लस टू और प्लस सिक्स जिसकी वजह से दोनों पॉजिटिव के चार्ज थे इसलिए रिपल्सन हो रहा था राइट मैं इसको मिटा देता हूँ इसको मिटा देता हूँ अब रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा था उसका फॉर्मुला लिखा हमने सर्वे के क्यूवन मतलब है दो माइक्रोकुलम Q2 टू है छह माइक्रोकम चलो मैं पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए लेकिन आज इतना ही क्वेश्चन हो पाएगा फिर मैं फॉर्मुला लिख देता हूँ के क्यू वन क्यू टू में आर स्क्वायर राइट K की के की वैल्यू डाल दो नाइन के पावर नाइन और उसके बाद आ जाएगा क्यू वन क्यू वन मतलब दो माइक्रोकुलम और छह माइक्रोकुलम तो छह बारह मल्टीप्लाई कर दोगे ना और माइक्रोकुलम दो बार था तो टेन की पावर माइनस सिक्स ट्वेल्व तो लिख दूंगा और आर स्क्त मुझे निकालना है क्योंकि डिस्टेंस पे नहीं दे तो यहाँ से आर निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा फोर्स कितना था बारह न्यूटन दे रखा था तो बारह फोर्स की जगह मैं बारह लिख दूंगा और ये सब कुछ ऐसे लिख दिया नाइन टेन की पावर नाइन ट्वेल्व का ट्वेल्व और टेन की पावर प्लस का नाइन था ये

ये हमने आर के लिख दिया रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें भी ही दो दो कूलम है अब है ना एड करने के बाद तो ये दो दूनी चार तो ये आ गया फोर टेन लिख दिया मैंने सॉरी टू टू जब फोर एक मिनट उसको मैं तो सर्वेस हम क्या कह रहे हैं इसको हम लिख दिया टू टू जब फोर और दो जगह माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम था तो टेन की पावर माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व हो जाएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू ये उठा के डाल दो तो नाइन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री नाइन से नाइन कट्टिस हो गया माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस का थ्री हो जाएगा एफ इजिकल टू में आ जाएगा टेन की पावर नाइन टेन की पावर थ्री नीचे से आया फोर और टेन की पावर माइनस ट्वेल्व ये, ये प्लस का 12 हो जाएगा ये का 12 का तो एफ इस एक, एक माइनस बन चुका था तो चलो सिवम, चेक कर लेते हैं जल्दी से ऑप्शन है इसका फोर न्यूटन अट्रैक्टिव कहा है? है यार छोटा सा नोमरिकल फोर न्यूटन अट्रैक्टिव आई होप सबको समझ में आ गया होगा नैना ने पहला निकाल दिया था रोली अच्छा कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आया ठीक है रोली मैं आपको दोबारा समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन समझा ठीक है चलो आज की लाइव क्लास यही खत्म करते हैं ग्यारह बज के तीन मिनट हो चुके हैं आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए छह और वहां पे कितने कहते हैं नौ नौ छह क्वेश्चन हो गए और पंद्रह के पंद्रह क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जब आप कॉपी पेन लेके बैठ के लिखते हो तो उसको लिख लिया करो कहीं कहीं अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप दोबारा देखोगे ना तो एक चुटके में सॉल्व हो जाएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी ग्रैप हो जाते हैं इसलिए लाइव क्लास मिस मत करना सिर्फ एक घंटे की होती है और हफ्ते में तीन दिन होती है ना बाकी सब जा सकते हैं छुट्टी हो गई और हम सिर्फ रोली को एक क्वेश्चन दोबारा समझा देते हैं आ जाओ बच्चा

चार्ज ऑफ माइनस का फोर माइक्रोकुलम यानी कि दोनों को माइनस का फोर माइक्रोकुलम चार्ज दे दिया गया मतलब ये जो माइनस का फोर माइक्रोकुलम है वो इसको भी दे दिया गया और इसको भी दे दिया गया तब फोर्स क्या होगा ये बताओ ये सवाल है हमारा ठीक तो हम क्या करेंगे मैं इसको साइड में आके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इस जगह पे। देखो हमने क्या बोला कि ठीक है भैया पहले चार्ज कितना कितना था दो माइक्रो कूलम का था और दूसरा था प्लस का सिक्स माइक्रो कूलम का ये चार्जेस दे रखे थे तो न्यूमेरिकल में है ना और इसके बीच की दूरी नहीं दी थी इन्होंने तो फिलहाल के लिए हम आर मान लेते हैं राइट अब इन दोनों के बीच में के जो फोर्स का फॉर्मूला था ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और रिपल्सिव फोर्स का जो फॉर्मूला था सॉरी फोर्स था वो बारह न्यूटन लग रहा था यानी कि दो वाला छह को बारह छह वाला भी दो को दोनों दे दिया। इस भी दे दिया -4 का और इसमें भी दे दिया हमने माइनस का फोर माइक्रोकुलम का चार्ज तो बताओ जैसे ही एड कर देंगे तो ये केस वन था ठीक है और सेकेंड केस में फाइनल फाइनल चार्ज क्या क्या बचेगा तो जो ये प्लस का दो था ये वाला और ये माइनस का फोर दोनों को ऐड कर देंगे चार्ज हमेशा ऐड हो जाते हैं ना तो प्लस टू और माइनस फोर कितना बचेगा माइनस टू बचेगा ना तो अब जो चार्ज है यहाँ पे वो माइनस टू कूलम का बचा होगा ऐड करने के बाद अब इसमें देखो ये एक प्लस का छह था एक माइनस का चार है दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना बचेगा प्लस का टू प्लस का छह था ना तो छह में से चार गया तो प्लस का

अब इसी के आगे फिर दूसरा चार्ज भी कितना है प्लस का टू है तो टू इन टू टेन की पावर माइनस सिक्स इसको भी ले लेंगे कूलम में मैं इसको थोड़ा और स्लाइड कर लेता हूं थोड़ा सा एक मिनट ठीक है ये भी माइनस सिक्स है अपना डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अब आर तो दिया ही नहीं था इसीलिए हमें पहले फॉर्मूले को सॉल्व करके इस वाले सॉल्व करके आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर उसको हम इसमें पुट कर देंगे दो तो कैसे करेंगे अब केस वन में आ जाओ केस वन में एफ जो है वो बारह है लेकिन फॉर्मूला क्या होता है एफ का के क्यू वन क्यू टू अपॉन वर स्क्वायर राइट एफ की जगह में लिख दिया मैंने बारह के की जगह में लिख दिया मैंने इसकल टू में एक मिनट की जगह में इस टू लिखा पहले के की जगह में नाइन इंटू टेन की पावर नाइन लिखा क्यू वन क्यू टू पहले वाले चार्जेस लेंगे दो और छ वाला है ना दो इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स और सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस दोनों माइक्रो माइक्रो है और डिवाइड बाय आर स्क्वायर यहां से सब कुछ पता है बस आर स्क्वायर को इधर भेज दो और ट्वेल्व को नीचे ले आओ तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी राइट तो आर स्क्वायर कितना आएगा देखो बच्चा अब बारह नीचे में आ गया तो ऊपर में कितना कितना है छ और बारह तो मैं नौ को अलग लिखता हूं छह दुनिया बारह को अलग लिख दिया और पावर सॉल्व कर दो, माइनस माइनस हो जाएगा, था और प्लस तो डिवाइड बाई ये वाला हिस्सा आर स्क्वातनी आई नाइन इंटू टेन की पावर पे लिख का थ्री ना?

तो 9 10 की पावर थ्री नाइन से नाइन गया माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा तो F आ जाएगा टेन की पावर नाइन इंटू टेन की पावर प्लस का 3, और फोर था और टेन की पावर माइनस ट्वेल्व था देखो बच्चा ये प्लस का थ्री है, है तो प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा ये प्लस का ट्वेल्व और माइनस का ट्वेल्व कट जाएगा फोर टू आ जाएगा फोर न्यूटन तो ये थोड़ा लेंथी था फोर न्यूटन और अट्रैक्टिव हो जाएगा तो ये ऐसे करके ऑप्शन ढूंढने आंसर लिखना पड़ेगा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रोली वेचा समझ में आ गया हो तो ठीक ना एक बार फेसेस देख लेना इसको बाकी से सब सबको भी क्लियर हो गया होगा चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू और किसी को डाउट हो तो बता देना मेरे को मैं अगली क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नो इशू एट ऑल ठीक है आज की लाइव क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बाय 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 बाय